तो ये है वो शैम्पू जो आपके बालों से डैंड्रफ को गायब कर देगा ये है जो आपको हेयर ग्रोथ दे देगा ये है वो शैम्पू जिसमें ना तो पैराबिंस है ना सल्फेट्स हैं ये है वो शैम्पू जो आपके बालों को क्लीन करके ठंडा ठंडा खूल खूल एहसास आपको देगा ये है वो शैम्पू जिससे आपके बाल घने हो जाएंगे और आप काफी खुश हो जाएंगे ये है वो जिसमें इतनी हाइड्रेशन है कि बहत्तर घंटे तक आपको बाल धोने की आवश्यकता नहीं है और आप मान लेते हैं और ये सारे के सारे जो दावे किए हुए हैं जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है आप भी जानते हैं यूज कर चुके हैं लेकिन आज मैं जो हेयर क्लेंजर आपके साथ शेयर कर रही हूं आई चैलेंज यू कि वो ये सारे काम कर सकता है आपका डैंड्रफ डेंड्र्योर कर सकता है आपके बालों में शाइन दे सकता है लस्टर दे सकता है डेंसिटी दे सकता है हेयर ग्रोथ दे सकता है हेयर रीग्रोथ भी दे सकता है आपके बालों में वो जो डलनेस आ गई है उसको फिक्स कर सकता है ये जो शाइन आप मेरे बालों में देख रहे हैं ये तीन दिन पहले इसी शैंपू से धुले हुए हैं और आप देखिए क्या कमाल है जी कोई रॉन्ग दावा तो इस चैनल पे हम करते ही नहीं हैं सबने ट्राई किया हुआ है रिजल्ट मिला हुआ है उसके बाद ही मैं कोई चीजें आपको दिखाती हूं तो आइए देखते हैं ये क्या मैजिक है कैसा हेयर क्लेंजर है कैसे प्रिपेयर करना है लेकिन ध्यान से देखिए समझिए चीजों को आराम से बटोर लीजिए और फिर ट्राई कीजिएगा आई एम प्रेटी sure श्योर बेहद खुश हो जाएंगे आप आइए जानते हैं क्या है ये हेयर क्लेंजर और कैसे प्रिपेयर करना है मेहनत अवश्य है लेकिन रिजल्ट बस इसी के लिए शायद कहा गया होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग ए आई की दुनिया में जहां पर एक कमांड पर आपको रीठा के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं मैं प्रीति प्रेरणा एक छोटी सी कोशिश कर रही हूं कि उस रीठा का सही इस्तेमाल करके आपको दिखाऊं और दिखाऊं कि ये कितनी पावरफुल रेमेडीज हैं अगर आप मेरी रेमेडीज से कनेक्ट होते हैं आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को वेल इक्विप्ड कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरा प्रोत्साहन अवश्य कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं कि आज हम एक हेयर क्लेंजर प्रिपेयर करने वाले हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स जब मैं आपको रिवील करूंगी तो आप बोलेंगे प्रेरणा ये तो ऑब्वियस है जी हाँ इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों के लिए डॉक्टर कहलाते हैं जी हाँ तो ये सब हम यूज़ करने वाले हैं सभी चीज़ों का जो भी मैं या इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हालांकि मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने नियर बाय ग्रोसरी में पता कीजिए जो परचून की दुकान होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर नहीं अवेलेबल हैं तो श्योरली आप नीचे ऑनलाइन जो भी लिंक्स दिए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए तो सबसे पहले इस हेयर कैंसर को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक बड़ा सा भिगोना चाहिए मेरे पास सबसे बड़ा यही बर्तन था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें अब आपको अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जो कि आपके शैम्पू को बनाने वाले हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आप लेंगे वो है रीठा यानी कि सोपनट्स इस चीज को अपना नाम ही इनके नेचर की वजह से मिला है सोपनट्स क्योंकि ये झाग बनाता है ये एक ड्राइड फल होता है जिसको अगर आप तोड़ेंगे ना जो कि काफी डिफिकल्ट होता है इसके अंदर से बीज निकलता है तो उसको डीसीड करने के लिए हम ऐसी प्रोसेसिंग करेंगे कि ये अपने आप ही डीसीड हो जाएगा और हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेटली वन आ, थर्ड कप ऑफ रीठा बॉल्स लिए हैं इसको आप कम से कर सकते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा शैम्पू थोड़ा सा स्लिपरी हो थोड़ा सा झाग बने इसलिए मैंने वन थर्ड कप लिया है आप चाहें तो पूरा एक कप या फिर आधा कप भी कर सकते हैं दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि यहां पर आपके शैम्पू को प्रिपेयर करने के लिए लगेगा वो है ड्राइड आंवला ये बहुत आसानी से नियर बाय मिल जाता है ये सीडेड भी मिलता है और डी सीडेड भी मिलता है आपके पास जो अवेलेबल है आप ले लीजिए क्योंकि हम बीज वैसे भी अलग करने ही वाले हैं तो अगर बीज वाला भी आपको मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप वो भी ले सकते हैं यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली वन हैंडफुल ऑफ आंवला लेना है आंवला ऑब्वियसली आपके ग्रे हेयर को एड्रेस करेगा टेम्पररी कलरिंग भी देगा और लेटर ऑन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना है इसको लेमन भाषा में बालों का डॉक्टर कहा जाता है जी हाँ इसको कहते हैं शिकाकाई शिकाकाई आपके बालों के लिए सर्वगुण संपन्न चीज है मतलब अकेले ये आपके बालों का ख्याल रख सकती है चाहे शाइन हो चाहे स्कैल्प हो चाहे ग्रोथ हो चाहे कलर हो चाहे हर चीज को फिक्स कर सकता है चौथा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपके शैम्पू को बनाने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स मैं कई सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि ये क्या मैजिक आपके बालों के लिए कर सकता है मात्र इन बीजों को आप रात भर पानी में भिगा दीजिए और अगले दिन जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको एज अ स्प्रे यूज कर लीजिए और देखिए क्या शाइन आपके बालों में आती है आपका डैंड्रफ क्योर हो जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ये सीड्स रखते हैं तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सिमेटली हाफ अ कप ऑफ फेनोग्री सीड्स लेने हैं और इसके बाद लेना है आपको आपका फाइनल इंग्रेडिएंट एंड दैट इज सूखे हुए गुड़हल के फूल अगर आपके घर में पौधा है या आसपास पौधे हैं तो आप फ्रेश फ्लावर्स भी ले सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अदरवाइज आप आराम से जो ड्राइड फ्रूट्स फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए ये काफी अच्छे ढंग से ड्राई किए जाते हैं ताकि इनका कलर रिटेन रहे घर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने घर पर सुखाए हुए हैं ये मेरे घर के पौधे का हिबिस्कस है जो कि मैं चाय के लिए कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइड बहुत सारे थे मार्केट बेस्ड तो मैंने जो घर वाले हिबिस्कस हैं उनको चाय के लिए रहने दिया और जो मार्केट बेस्ड हिबिस्कस फ्लावर्स हैं ड्राइड फ्लावर्स इसका एक कप यहाँ पर लिया है हिबिस्कस के अंदर जो विटामिन सी कंटेंट होता है आप सभी जानते हैं विटामिन सी क्या कमाल करता है आपके स्कैल्प के लिए कोलाजन बूस्ट करता है आपके जो हेयर हेल्थ है उसमें ओवरऑल बहुत गजब के रिजल्ट्स देता है आप सिर्फ गुड़हल से सर धो के देख लीजिए किसी दिन आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ शाइन जो आपके बालों में आएगी वो तो कमाल ही होती है अगर आप घर के फ्रेश फ्लावर्स ले रहे हैं तो लीव्स भी ले सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लेने के बाद अब आपको इसमें अप्रॉक्सीमेटली दो लीटर गर्म पानी डालना है और इसके बाद एक लीटर ठंडा ठंडा नहीं मतलब रूम टेम्परेचर वाला बॉटल पानी आप इसमें डाल दीजिए तीन लीटर पानी में आप इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे ओवरनाइट आधा दिन और जैसे आप कंफर्टेबल हैं इसको अच्छे से भीगने दीजिए जैसे आप इसको भिगा लेंगे पंद्रह मिनट के पश्चात ही आपको देखेगा कि पानी का रंग चेंज होना शुरू हो चुका है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारे के सारे इंग्रीडियंट्स काफी हद तक थोड़े सॉफ्टन हो जाएंगे इसके बाद आप इस पूरे के पूरे भगोने को रख देंगे गैस पर और अच्छे से सिमर होने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर इतना समय लगेगा आप शुरू में फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा रखिए जब तक कि पानी बॉईल होने पर ना आ जाए जब बॉईल होने पर आ जाए आप बिल्कुल सिम कर दीजिए और इसको ढक कर रख दीजिए और अच्छे से आधे घंटे के लिए सिमर होने दीजिए आधे घंटे के पश्चात आप बीच बीच में जा इसको स्टर कर सकते हैं क्योंकि रीठा इस्तेमाल हो रहा है जो झाग बनता है वो उफान मार सकता है लेकिन आप बंद ही रहने दीजिए इसको और अच्छे से खोलने दीजिए पकने दीजिए गिरना नहीं चाहिए ऑब्वियसली पर अच्छे से खोलने दीजिए अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 मिनट इसको अच्छे से खोल जाने के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा खिट गया है कम हो गया है अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली दो लीटर के आसपास या दो से ढाई लीटर के आसपास रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है आप देखेंगे जो बॉइल आ रहा है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि एक सार हो रखा है एकदम एक साथ यू नो एकदम जैसे दाल बनती है बस वैसा ही हो चुका है इस पॉइंट पर आप गैस को बंद कर देंगे और उस पूरे के पूरे भगोने को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दो से ढाई लीटर का कंटेंट इसके अंदर है जिसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा मैंने पूरा दिन इसको ठंडा होने दिया रात के समय मैंने ग्लव्स पहने विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आंवला है और ये आपके हाथों को स्टेन कर सकता है वेरी वेरी बैडली आप ग्लव पहन के इसको अच्छे से यू नो स्क्विश करेंगे ना तो जो रीठा बॉल होती है उसकी सीड मतलब आप देखेंगे मैजिकली टक करके बाहर आ जा जाते हैं इट्स वेरी इजी क्योंकि अच्छे से जो बाहर की स्किन है वो पक चुकी है आपको सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मैश करना है अगर आप सोच रहे हैं कि आप हैंड ब्लेंडर से या किसी मशीन की मदद से कर पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सीड्स भी हैं हम सीड्स नहीं चाहते हैं इसीलिए अच्छे से हाथों से इसको मैश कीजिए मैश करने पर आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा सिर्फ फाइबर ही फाइबर रह जाएगा आपको बहुत अच्छे से मैश करना है उसके बाद ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना इसको आप अच्छे से निचोड़ के साइड में रखते जाइए जितना पॉसिबल है ऑब्वियसली एकदम तो हम नहीं कर सकते पर तो जितना मोटा मोटा पॉसिबल है वो आप कर दीजिए और इसके बाद आप लेंगे एक बड़ा सा कंटेनर छन्नी और उसमें ये सारा का सारा छान देंगे समझ में आया जब आप छानेंगे उसके बाद भी कुछ माइटिन्यूट पार्टिकल्स आपकी छन्नी में आ जाएंगे जिसको आप वापस से इसी जो हमने वो मोटा मोटा गर्दा इकट्ठा किया था बस उसके साथ रख देंगे मैं इसे गर्दा बोल रही हूँ पर ये गर्दा नहीं हम इसको दोबारा यूज़ करने वाले हैं तो अच्छे से जब आप इसको छान लेंगे तो ये जितना भी आपने एक, एडिशनल इकट्ठा किया है जो सॉलिड कंटेंट था इस शैम्पू का इसको आप वापस से उसी कंटेनर में डाल दीजिए फिर से इसके अंदर एक से दो लीटर पानी भरिए और इसको फिर से बॉईल कर लीजिए क्या हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं रख सकते हैं लेकिन इतने लंबे समय के लिए ना तो मम्मी ने आपको अलाउ करना है ये करने के लिए और ना ही ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा इसीलिए पानी बनाकर रख लीजिए ये पॉसिबल है आप इसको फिर से उबलने के लिए रख दीजिए ढक दीजिए एक से डेढ़ लीटर पानी आपको और इसमें मिल जाएगा है ना मैजिकल और ये जो आपका शैम्पू बनकर इकट्ठा हुआ है इट इज रेडी टू बी यूज लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर अभी भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जी हाँ मैंने तो एक बड़े से ग्लास जार में इसको स्टोर कर लिया है जो कि वन लीटर का है और उसके बाद 200 सौ एम की बॉटल्स थी जो कि चार भरी हैं तो अप्रोक्सिमेटली दो लीटर के आसपास बनकर रेडी हुआ है और जब मैंने इनमें से एक बॉटल को कपड़े की मदद से छाना तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी है हालांकि ये इतने स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं कि जैसे आप पानी से धोएंगे वो भी निकल जाएंगे एप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम लेकिन कुछ होते हैं हमारे छुई मुई मेरी फैमिली में भी है अरे मिट्टी आ गई शैम्पू में ये क्या दे दिया तो अगर आप कोई वैसे जन हैं कि भाई हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते शैंपू का मतलब एकदम सॉफ्ट होता है इन दिस एंड दैट तो कपड़े से भी पहले छान लीजिएगा फिर इस्तेमाल में लाइएगा अब शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है स्टोर कैसे किया जाए मैंने कांच की बोतल में स्टोर किया है और उसके बाद मैंने इन्हें रेफ्रिजरेट कर दिया है ताकि अप्रॉक्सीमेटली थ्री टू फोर वीक्स ये आसानी से रह सकता है पूरे महीने भर का शैम्पू एक साथ बन चुका है आप आराम से इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं फॉर वन पर्सन आई एम टॉकिंग लेकिन अगर आप बड़ा बैच बनाते हैं तो आई वुड से कि आप इसको बीच बीच में बॉईल करते रहेंगे तो ये खराब नहीं होगा जो कि कई बार फंगस वगैरह लग जाता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट्स इट आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी ग्रेट सजेशन आप क्या कर सकते हैं आप आइस क्यूब्स बना लीजिए इन सारे के सारे शैम्पू की और एक बड़ा सा बॉक्स बना के रख दीजिए जब भी शैम्पू करना है दो से तीन आइस क्यूब्स निकालिए पिघलाइए और यूज कर लीजिए दैट्स वेरी सिंपल इसको आप महीनों रख सकते हैं अगर आइस क्यूब्स में चेंज कर देते हैं तो ना टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस शैम्पू बहुत ही आसान है कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन ये आपके नॉर्मल शैम्पू से थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो अप्रॉक्सीमेटली एक बोल आप ले लीजिए शैम्पू के लिए आप डिवोटेडली बना लीजिए और इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली हाफ ग्लास ऑफ शैम्पू इतना लगेगा ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर बॉय कट बाल हैं फिर तो कहने क्या छोटी कटोरी में लो अच्छे से अपने बालों में बाहर ही बाथरूम में जाने से पहले बालों में लगा लो इधर उधर घूमिए कपड़े वपड़े इकट्ठे कीजिए और फिर नहाने चले जाइए वेरी इजी जिनके बाल बहुत लंबे हैं भाई नहीं पॉसिबल है बाथरूम में ही हमें करना पड़ेगा आप बालों को अपसाइड डाउन करके ऊपर स्कैल्प से डालना शुरू कीजिए लेंथ पर आने दीजिए और बांध कर रख दीजिए जब तक आपके बाल बंधे हुए हैं आप बॉडीली नहा सकते हैं उसके बाद प्लेन वाटर से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए अगर आपको हल्की सी इचिंग रहती है फुंसी वगैरह है वहां पर आपको हल्का सा टिकलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है डेफिनेटली घबराने वाली कोई बात नहीं है जैसे आप वॉश करेंगे वो टिकलिंग सेंसेशन चला भी जाता है लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम कट है तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए अभी हेड वॉश मत कीजिए उसको फिक्स होने दीजिए उसके बाद इस्तेमाल में लाइए डन शिकाकाई बालों का डॉक्टर होता है लेकिन आंखों का दुश्मन होता है तो इस ग्लैंड को आप अपनी आंखों में आने तक नहीं दे सकते आपको प्लीज यू हैव टू मेक श्योर कि आंखों में ये ब्लेंड ना आए अब मैं आपको उन सवालों का जवाब दे रही हूँ जो इस शैम्पू के आसपास आपको आए होंगे क्या बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन आंखों पर ना जाए इस बात का आप ख्याल रखिएगा क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके बाल लस्ट्रेस हो जाएंगे शाइनियर हो जाएंगे और आपको फिर यू you नो know, आप वो जो विंडो शॉपिंग पर आप निकलते हो मार्ट में जाते हो और फिर जाके इतने सारे शैम्पू लेके आ जाते हो वो सब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको घर में सोल्यूशन मिल रहा है तो इसके अलावा तो और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्या इसमें आ, मैं इसको बल्क में बना के रख सकता हूँ मैंने आपको सारे के सारे वेज बता दिए कि कैसे आप इसको बना कर रख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इज अ मस्ट अदरवाइज आइस क्यूब्स बना लीजिए नहीं है रेफ्रिजरेटर तो बीच बीच में बॉईल कीजिए वेरी सिंपल क्या इस शैम्पू को हमें रोज करना पड़ेगा जी बिल्कुल नहीं मैंने अभी आपको बताया ना कि ये थर्ड डे के बाल हैं तीसरा दिन है आज शैम्पू किए हुए एब्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम इन फैक्ट लेट मी शो इट टू यू बहुत आसान है मेरे बाल में हमेशा चोटी बांध कर रखती हूँ इस वजह से थोड़ा सा फ्रिज होगा बाकी आई डोंट थिंक कोई से बोलेगा कि ये बाल बहुत शादी uh, हैं या वैर थोड़ा सा फ्रिज है ऑब्वियसली वो कर्ल्स हैं बिकॉज मैंने चोटी बांधी हुई थी अदरवाइज द शाइन इज इंटैक्ट टैक्ट तीन दिन बाद जो कि नॉर्मली नहीं रहती है काफ़ी वैसी हो जाती है तो यस यू कैन एब्सिलूटली यूज इट दैट वीज ऑल्सो शाइन के लिए लस्टर के लिए तो so, श्योरली आप इसको अपने नॉर्मल शैम्पू की तरह हफ्ते में दो बार इस्तेमाल में ला सकते हैं हालांकि दिस इज द ओनली शैम्पू जिसको अगर आप रिपीटेडली भी लगा लें तो कोई नुकसान नहीं है फायदा भले ही ना हो क्योंकि ऑब्वियसली रस्टर पॉइंट के बाद ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ही ऐसे गोल्डन स्ट्रैंड्स हो जाएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल लेकिन हाँ ये आपके बालों को कोई नुकसान डेफिनेटली नहीं देगा जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कौन कौन ये शैम्पू अपने लिए प्रिपेयर करने वाला है ताकि मैं नोट डाउन कर लू और वापस आके जरूर पूछूंगी कि कैसा रहा रिजल्ट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो वापस आकर अवश्य बताइए परिवार के बाकी लोगों को बहुत सारा यू नो कॉन्फिडेंस मिलता है आपके कमेंट से अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर स्किन एंड हेल्थ तब तक के लिए प्रीति प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए एंड नो sure आई लव यू ऑल